सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ एमसेट इंजेक्शन के ऊपर, जिसका यूज़ कॉमनली नोजिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए होता है। तो आज हम इस वीडियो में एमसेट इंजेक्शन के बारे में फुल्ली डिटेल में बात करेंगे। तो पहले तो मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बताऊंगा कि हमें नोजिया वॉमिटिंग क्यों होता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एमसेट इंजेक्शन है इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये शरीर में कैसे काम करता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके यूजेस के बारे में कि आपने किस किस कंडीशन में इसको यूज़ करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी डोज और इसकी रूट के बारे में, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस, पहले तो जानते हैं कि हमें नोजिया वॉमिटिंग क्यों होता है। तो जो हमारा ब्रेन है ना, उसके फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर एक एरिया होता है जिसे कैमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन बोलते हैं, या कई लोग इसे ओस्ट्रीमा के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस, जब भी ये एरिया स्टूमुलेट होता है, मतलब कि जब भी ये एरिया उत्तेजित होता है, तब हमें नोजिया और वॉमिटिंग फील होता है। ओके, तो ये उत्तेजित कैसे होगा, इसके कुछ रिसेप्टर होते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, जो इसके रिसेप्टर हैं वो हैं डोपामाइन, एसिटाइल कोलिन, ओपियोड्स, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस पी या सीरोटोनिन, इसके कुछ रिसेप्टर के नाम मैंने आपको बताए हैं। तो गाइस, ये जो रिसेप्टर हैं ये जाके जो CTZ होता है, कैमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, उसको जब ये स्टूमुलेट करते हैं तब हमें नोजिया वोमिटिंग फील होता है। तो गाइस, ये तो था लॉजिक कि हमें नोजिया वोमिटिंग क्यों फील होता है। आगे बात करते हैं एमसेट की। तो फटाफट तो पहले मैं उसकी कंपनी और प्राइस के बारे में बता देता हूं। तो गाइस, इसकी जो कंपनी है वो है सिप्ला, और ये आपको 12 रुपये समथिंग का मिल जाता है। आगे इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर आपको ओंडेंस्टेरोन मिलता है। आगे बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो गाइस ये सीरोटोनिन ST3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, मतलब कि ये सीरोटोनिन जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देता है। ओके, जिसके कारण हमें नोजिया वोमिटिंग फील नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें जब भी कैमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन स्टूमुलेट होगा, ओके, तब हमें नोजिया वोमिटिंग फील होता है। और वो स्टूमुलेट कैसे होता है, जो सीरोटोनिन है ये CTZ मतलब कि कैमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टूमुलेट करता है। तो ये जो एमसेट इंजेक्शन है, मतलब कि जो इसका कॉम्पोजिशन है ओंडेंस्टेरोन, ये सीरोटोनिन को ब्लॉक कर देता है, और जिसके कारण नोजिया वोमिटिंग फील नहीं होता। ओके गाइस, तो ये तो था इसकी मैकेनिज्म की बात। आगे बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका जो यूज़ है वो ख़ास तौर पर कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के दौरान या रेडिएशन थेरेपी के दौरान होता है। जब पेशेंट को कैंसर थेरेपी मतलब कि कैमोथेरेपी देते हैं या फिर रेडिएशन थेरेपी देते हैं ना, तब सीरोटोनिन ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ये सीधा जाकर कैमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टूमुलेट करते हैं। साथ ही पोस्ट ऑपरेटिव केसेस होते हैं, उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जब पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया, जिसमें रीढ़ की हड्डी में टीका लगा के सुन किया जाता है, या फिर जनरल एनेस्थीसिया जिसमें पेशेंट को पूरा बेहोश किया जाता है, उस एनेस्थीसिया के इफेक्ट के कारण पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग फील होता है। साथ ही मॉर्निंग सिकनेस में, प्रेगनेंसी के टाइम जब मॉर्निंग सिकनेस होता है, सुबह के टाइम जब नोजिया वोमिटिंग होता है, तब भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, मतलब कि ओंडेंस्टेरोन का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही फूड पॉइजनिंग के दौरान भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके गाइस, तो काफ़ी सारी कंडीशन हैं जब पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग फील होती है, लेकिन मोशन सिकनेस के दौरान इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे पेशेंट्स बताते भी हैं जब मोशन सिकनेस, मतलब कि जब वो ट्रैवल करते हैं बस में, कार में या ट्रेन में, तब कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें नोजिया वोमिटिंग फील होता है, उल्टी भी आती है कई लोगों को, तब अगर वो एमसेट की टैबलेट या फिर इंजेक्शन लगवाते हैं तब उनका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। और मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उस टाइम पेरिनोरम या फिर स्टेमटिल की टैबलेट्स या फिर
फेनार्गन की टैबलेट आती है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लेकिन मोशन सिकनेस में इसका रिजल्ट नहीं है अच्छा। ओके तो गाइज ये तो बात थी इसके यूजेस की, आगे बात करते हैं इसके डोजेस की और इसके रूट की। तो जो एडल्ट डोज है इस इंजेक्शन को आप दिन में TDS दे सकते हैं, मतलब कि दिन में 3 बार तक दे सकते हैं, या कई कंडीशन ऐसी भी होती हैं इस इंजेक्शन को 6 आवरली भी दिया जाता है, मतलब कि दिन में 4 बार तक भी दे सकते हैं। वैसे जो इसकी डोज है वो है 0.13 mg टू 0.26 mg पर kg पर डेली इसकी डोज होती है, और इसे इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर आप दे सकते हैं। तो गाइज ये तो बात थी इसकी डोजेस की और इसके रूट की बात, आगे बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो एमसेट इंजेक्शन से हेडेक, डिजीनेस, टैकीकार्डिया या फिर सीरोटोनिन सिंड्रोम होता है, जिसमें पेशेंट की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है अगर आप इसकी हैवी डोज देते हैं, और ये काफ़ी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। ओके गाइज तो इसके अलावा इससे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, रैशेस और फैटीग जैसी कंडीशन हो सकती है। तो गाइज ये तो थे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात। आगे इस इंजेक्शन के कुछ मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन भी होती है, जैसे इरीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन या ट्रामाडोल, जो सामान्यतः इस इंजेक्शन के साथ कई बारी दिए भी जाते हैं। तो गाइज जब भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ करें तब इन मेडिसिन का इंटरवल थोड़ा लंबा रखें ताकि इनकी इंटरेक्शन ना हो। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो गाइज ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ और टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही किसी बात या किसी टॉपिक पर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइज मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।